वायरल बॉलीवुड देख रहे सारे दर्शकों मेरे यानी सिमरन हंस वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। कहिंदे ने जो मंजिल नूं तुहाडी लोड होवे तां जिंदगी आप राह बनाउंदी है ते इस राह ते तुरना भी सिखाउंदी है। ये लाइन एक्टर कुलजिंदर सिंह सिद्धू ते पूरी ढुकदी है क्योंकि उन्होंने एक्टिंग ने यानी अदाकारी ने आप चुनिया। तो किवें वो एक पत्रकार तो एक बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी तो उस तो बाद एक अदाकार बन गए। उन्हां दियां जिंदगी दियां कुछ खास घटनावां ते ते फिल्मां ते आपां नज़र पाउंदे आ ते वेखांगे उन्हां दे सफर नूं। कुत्ते दी पूछ ते पैर भावें गलती ना रखो जां जान बुझ के उन्हें लत नूं चक भरना ही आ। मेरा सुभाव ही ना थोड़ा कुत्ते वाला पर मैं लत ते नहीं सिद्धा तौण ते चक भरदा। कुलजिंदर सिंह सिद्धू दा जन्म पंजाब दे प्रसिद्ध शहर जलंधर च होया। उन्हां दे पिता पत्रकार सन ते माता जी स्कूल अध्यापिका। कुलजिंदर दी पढ़ाई अमृतसर च होई। उन्हां खालसा कॉलेज अमृतसर चों बीए आर्ट्स ते बीए इन मास कम्युनिकेशन कीती ते अगे दी पढ़ाई लई जलंधर आ गए। जलंधर च उन्हां ने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कीती। उन्हां दा पत्रकारिता वल आकर्षित होण दी कहानी भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। 80 दे दहाके च जदों घर घर जाके तलाशी लई जांदी सी तो उन्हां घर भी फौज आई सी। जदों उन्हां पुछिया कि तुहाडे कोल कोई हथियार है तां कुलजिंदर दे पिता जी ने कहा हाँ ते अंदरों अपनी कलम लै के बाहर आ गए, जिसनूं वेख के सब हैरान रह गए ते कुलजिंदर नूं भी समझ आ गई कि कलम विच तलवारां नालों वध ताकत हुंदी है, जिस तों उन्हां दा रुझान पत्रकारिता च पै गया। जलंधर रहिंदे होए उन्हां एक अंग्रेजी अखबार च कम कीता ते दूरदर्शन दे एक प्रोग्राम लई एंकरिंग भी कीती। पर जलंधर च जदों अखबार च कम कर रहे सन ते ओह अखबार ज़्यादा देर ना चलिया ते फिर अखबार बंद हो गया, जिस तों बाद उन्हां ने अपने मित्र नाल मिल के एक छोटी जिही एड एजेंसी शुरू कर ली। 2004 च उन्हां सलून भी शुरू किया, जिस ते बाद च सवाल चुके गए कि कुलजिंदर ने साडा हक फिल्म की कमाई नाल सलून खोलिया है, पर उन्हां दस्या कि सलून की कमाई नाल फिल्म बनी है ना कि फिल्म की कमाई नाल सलून। कुलजिंदर सिद्धू ने थिएटर च भी प्रैक्टिस की। कुलजिंदर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मी लाइन च 2009 च की, पर उस समय वह केवल लेखक ते प्रोड्यूसर दे रूप च आए। 2009 च उन्हां फिल्म मिनी पंजाब बनाई जो कि सिनेमाघरां च फ्लॉप साबित हुई। फिर उन्हें फैसला लिया कि वह अपनी ड्रीम फिल्म यानी कि साडा हक बनाउणगे। इस फिल्म नूं बनाउण दा कारण किते ना किते उन्हां दी आप बीती भी सी, क्योंकि 1992 च उन्हां अपने वड्डे भरा नूं गवाया सी जिन्हां ने खाड़कू लहर नूं ज्वाइन किया होया सी। इस तों बाद उन्हां ने एक बार अपने आप ते पुलिस दी तशद्दद भी सही सी, जिस तों बाद साडा हक फिल्म उन्हां बनाई। साडा हक फिल्म कई कानूनी लड़ाइयां लड़न तों बाद रिलीज़ हुई। फिर 2013 च पहली बार ओ जद एक्टर दे तौर ते नजर आए ते ओ फिल्म सी साडा हक। शांतमई तरीके दे नाल मसले दा हल ना होवे फिर हथियार उठाउणे जायज है। कुलजिंदर ने एक इंटरव्यू दे विच भी दस्या है कि साडा हक उन्हां गुस्से च बनाई सी क्योंकि बतौर एक्टर उन्हां नूं मौका नहीं सी मिल रहा ते ओ इस फिल्म नूं बनाउणा चाहुंदे सन, एक कहानी नूं दसना चाहुंदे सन ते उन्होंने फैसला लिया कि साडा हक फिल्म ओ बनाउणगे ते फिल्म दे विच एक्टिंग भी करनगे। उन्हां फिल्म च कम करन लई थिएटर दियां क्लासेस भी लईयां। तुहानूं दस दईए कि इह फिल्म 80 ते 90 दे दशक नूं दर्शाउंदी है। फिल्म कुछ विवादां च भी रही लेकिन आखिर च फिल्म रिलीज़ हुई ते ऑडियंस दा भरवां हुंगारा भी मिलिया। कुलजिंदर सिद्धू नूं ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया बतौर एक्टर। 2014 च फिर कुलजिंदर सिद्धू ने फिल्म योदा भी बनाई ते फिर कदे भी पिछे मुड़ के ना वेख्या। उन्हें एक तो बाद एक फिल्मां कीतियां। इन्हां फिल्मां च असीस, शरीक, पंजाब सिंह, अरदास करां ते मिट्टी विरासत बब्बरां दी वर्गियां फिल्मां शामिल ने ते आने वाली फिल्मों च गुरमुख फिल्म भी शामिल है। तुहानू दस दिए कि कुलजिंदर सिद्धू का एक्टिंग करियर स्ट्रगल नाल भरिया रहा है। अपन इंटरव्यूज के विच भी वो इसका जिक्र करते रहते हैं कि किवें उन्हें थिएटर च प्ले करन दा मौका ना भी मिलिया तां भी उन्हें प्रैक्टिस की ते कई बार देखते दे रहे, ऑबजर्व करते दे रहे ते कदे भी हार ना मनी।
ते आखिर दे विच आप ही फिल्म बनाउण दा फैसला लिया, जो कि बिल्कुल सही साबित होया। ते इस फैसले ने उन्हां दी जिंदगी बदल दित्ती। जलंधर दा ए गबरू हुण बॉलीवुड दा सितारा बन चुकिया है, ते कई नौजवानां लई प्रेरणा भी। ते थोनू कुलजिंदर सिद्धू दी स्टोरी किवें दी लगी तुसी कमेंट सैक्शन दे विच दस सकदे हो। ते अजिहियां होर कहानियां लई ते अजिहियां होर अपडेट्स लई बायोग्राफीज लई ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਇਰਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। इस दे नाल ही मैं यानी सिमरन हंस हुण दे लई तुहाडे तों लैंदी आं इजाजत, लेकिन जरूर मिलांगी एक नवी वीडियो लैके। तद तक लई तुसीं देखदे रहना वायरल बॉलीवुड।